पति क्या होता है? पति देव है? सवेरे बात करो, मैं इस टाइम तो फिर खान कर दूँगा। कल है, कोई बात नहीं, मैं सवेरे सवेरे बात करूँगा। अगर कुछ होगा तो साथ कहाँ महसूस हो? इधर फूंक तो वहाँ मारी, फिर यहाँ महसूस कैसे? हाँ जो संजय भाई, हाँ जो शनिदेव महाराज, संजय भाई, संजय संजय भाई, मेरे शरीर में, शरीर में नाभि के नीचे, नाभि के नीचे दर्द करने वाले प्रेत को, प्रेत को, पितृ को, पितृ को, देवता को, देवता को पकड़ कर, पकड़ कर मार लगा, मार लगा। हे शनिदेव महाराज, मूल सहित, जड़ सहित इसको निकाल कर, इसको निकाल कर मेरे शरीर से बाहर कर, मेरे शरीर से बाहर कर। हे शनिदेव महाराज, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी गोद में आ बैठी हूँ, आपकी गोद में आ, आपका आपके ऊपर अनंत विश्वास है, आपके ऊपर अनंत विश्वास है, मनु भैया के ऊपर अनंत विश्वास है, मनु भैया के ऊपर अनंत विश्वास है। शनिधाम का मान रखे, शनिधाम का मान रखे, शनिधाम की आन रखे, शनिधाम की आन रखे, उसको निकाल कर, उसको निकाल कर जड़ सहित, जड़ सहित मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। आपकी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बस सवेरे दौड़ने जाती है कि नहीं? वजन बढ़ गया तो फिर ठंड की वजह से, ऑफिस की वजह से बढ़ गया, ऑफिस में लंच करके बैठने की वजह से। अच्छा, लंच करके घूमना चाहिए, थोड़ा तो वॉक करना चाहिए ना, तो आधा घंटा भी नहीं मिलता, क्यों? इसलिए जॉब छोड़ दिया, अपना वेट पे ध्यान दे रही थी। क्या जॉब थी? HDFC बैंक में जॉब करती थी। तो बैंक में टाइम ही नहीं देते? HDFC बैंक में तो मजे ही है, चार घंटे की सारी जॉब ही है। ब्रांच नहीं था, ऑफिस था। अच्छा, ऑफिस कहाँ है इसका? विकासपुरी था। अच्छा, मतलब ब्रांच में ऑफिस में अंतर होता है? हाँ, वो बैक एंड ऑफिस है। ऑफिस में बैठना पड़ता है, ब्रांच में लौटना पड़ता है? ब्रांच में तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते अपने हिसाब। अच्छा, अपने हिसाब से नहीं कर सकते? क्या हो रहा है? अभी इस टाइम पक्का हल्का हल्का दर्द हो रहा है। और वहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। कहाँ गया? अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलो देख, छू मंत्र करते हैं। घुटने तक आया इस पैर के? हटा हटा हटा। घुटने तक आ गया इस पैर के? अब घुटनों से नीचे नीचे है, ऊपर नहीं? अच्छा, अब इसके आगे आगे दर्द है, इस तक नहीं है? यहाँ साइड में है? हाँ। कहाँ तक दर्द है? बॉडी में नहीं है, बॉडी में कहीं नहीं है, नीचे हल्का लग रहा है। कह दे उड़ जा, उड़ जा। सही, कहाँ गया? बोलो शनिदेव महाराज की। बोले दर्द भैया उड़ जा। इनको एक बार देखो, ये मैम तेरा बहुत मोटी है, पतली हो जाए, लड़ाई यही नहीं करेंगे। अभी बैठी रह, भेजा किसने? अभी नहीं उठना, मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं बढ़िया। नहीं, मुझे देखना है ना अभी दर्द आता है कि नहीं आता है। मैं कान में फूंक मारूंगा, मैं अपना परीक्षण करूँ की नहीं सफल है, या मेरे परीक्षण को विफल कराती है? क्या ये तूने डॉक्टरों को नहीं दिखाई समस्या? संजय भाई, हाय, इधर आए, ध्यान दे इधर। हाँ जी, डॉक्टरों को दिखाई कि नहीं? पिछले 5 साल से मैं अपने पेट का ट्रीटमेंट करा रही हूँ, सब कुछ कराया। डॉक्टरों पे गुस्सा आ गया ना अब एकदम से? नहीं, नहीं, नहीं चाहती हूँ, बहुत ज्यादा मेरे पेट में दर्द होता है, तो जाती हूँ 2-3 महीने, नहीं तो नहीं जाती हूँ। वो सुई नहीं देते, इंजेक्शन नहीं देते, तो
ठीक हो जाता है दो तीन दिन में फिर वैसे दर्द रहता है, मैं जाती नहीं कहीं। क्या करते हो? पिछले 5 साल में मैं हर जगह दिखाई हूँ, वेदांता में दिखाई हूँ, एम्स में दिखाई हूँ, मूलचंद में दिखाई हूँ, हर जगह दिखाई हूँ। पागल बना रहे डॉक्टर। यूट्रस में उन्होंने मेरे को पहले सिस्ट बताया, फाइब्रॉइड बताया, उसकी दवाइयां उन्होंने दी मुझे, बहुत दर्द की दवाइयां दी। आज मैं एक बात बता दूं, एक बहन जी को ऐसे ही दर्द रहता था नेगेटिविटी का, डॉक्टर ने उसकी वो निकाल दी, क्या कहते हैं, यूट्रस निकाल दी। बच्चा कैसे होगा मुझे ये बता दे। मेरे मुझे छोटा फाइब्रॉइड, वो तो भगवान की ये, वो भगवान का शुक्र है कि उसको एक लड़की है, मतलब किसी तरह वो ये कहलाने से बच गई कि अब ये माँ नहीं बन सकती। आगे ना एक बार तो बनी गई ना, है ना, तेरे आंसू मैं समझता हूँ। डॉक्टर की तू बहन लगती है क्या? कुछ भी नहीं लगती हूँ। मनु भैया की बहन लगती है ना, तो फिर तो तेरी रखवाली मनु भैया करेंगे कि डॉक्टर करेंगे, तू बता। एक भाई चाहिए सबको, तभी तो आई हूँ, तभी आई है। हमारे बारे में तुझे बताया कितने एक डॉन रहता है। मेरी मम्मी वीडियो आपका फेसबुक पे पिछले 1 साल से देख रही थी, विश्लेषण कर रही है हमारा। नहीं और? वो चल नहीं पाती, उनको लेके भी आई हूँ, व्हीलचेयर पे भी लेके। अच्छा, मैंने आशीर्वाद दिया था। तो मेरे हस्बैंड को, मतलब पति को, उन्होंने बहुत बार बोला कि ले चलो, उस टाइम उनका पैर नहीं टूटा हुआ था। अच्छा। बहुत बार बोला पर ये नहीं जाना, ये करना वो करना, इनके अलावा हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता कैसे जाए। कहाँ रहते हो? हम उत्तम नगर अस्पताल में रहते, इधर का नहीं पता। हाँ तो हमें पता नहीं था ना, अब तो मेरा रास्ता देखा होगा, 4 बार आई हूँ तो अब मुझे पता चल गया बिल्कुल सीधा रास्ता है। पहले नहीं पता था इधर का मुझे कुछ नहीं। अच्छा। कभी नहीं आई हूँ तो कैसे पता रहेगा? तो इधर क्या समझते थे, इधर बनवानों से रहते? नहीं मतलब रास्ता नहीं पता है, जंगल सारा उत्तम नगर के बाद से शुरू होता है ना। मेरी मम्मी चल नहीं पाती है ना, तो वो मेरे साथ अकेले नहीं आ सकती ना, प्रॉब्लम ये थी। हम दोनों साथ में लेके उनको आ सकते थे। तो आपने इतने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर जब चेकअप करते थे आपको क्या कहते थे? इतने सारे टेस्ट किए डॉक्टर पे, आखिरकार आप कितने सालों से इलाज करा रहे थे? 5 साल से इलाज करा रहे थे। कितनी बार MRI हुआ? 3 बार MRI हुआ। 3 बार MRI हुआ। एक बार का MRI कितने का होता है? एक महीने में MRI कितने का होता है? 13,000 से 14,000 का MRI हुआ। 14,000 का 14 45,000 MRI क्योंकि डॉक्टर ऐसे कौन साउंड होता है, हर दूसरे महीने अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड कितने का होता है एक बार? 1300-1400 का कर दिया। ओए रोम, 1300-1400 का और दवाई प्लस हर महीने, मतलब वो 1 वीक का भी देते हैं तो 1000-1500 का दवाई। हाँ, 1500 और वो लिखते कितने? लिखते क्या पर्चा लिखते हैं कितने? हाँ, वो उसकी जो अभी जहाँ दिखा रही थी वहाँ 200 रुपए फीस है उनकी बस। ये तो सस्ता डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं, नियर बाय मेरे ये पड़ते हैं। बाकी मैंने मेदांता वगैरह में दिखाई 1300-1500 फीस है, वहाँ पे मूलचंद में दिखाया 1000 रुपए फीस है वहाँ पे। तो वहाँ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वही फाइब्रॉइड बताया, बोल रहे दवाई से ठीक नहीं होगा। फाइब्रॉइड क्या होता है? गांट हो जाती है। कहाँ है गांट? नहीं, ऑपरेशन कराया ना लास्ट ईयर, करा दी। क्या निकला? गांट निकली थी, वो भी डॉक्टर ने लेजर बोल के जब ऑपरेशन मिले गए उसके बाद फिर बोले ओपन सर्जरी करा। गांट देखी थी आपने? हाँ दिखाया था। अच्छा, पहले लेजर का बोल दिया, फिर लेजर का बोल दिया, जब पेट खोल दिया उन्होंने तब तो उसके बाद बोला कि अब तो लेजर से निकल नहीं पा रहा, बहुत तो बड़ा ओपन, है ओपन सर्जरी करेंगे, फिर ओपन करा उन्होंने, मतलब एक टाइम टेबल पे रख के फंसा दिया। हाँ। तो जब लेजर का खर्चा बताया तो वो कितना था? लेजर का भी 35, मतलब हम तो इंश्योरेंस में करवाए थे, हमारा कुछ खर्चा नहीं लगा। नहीं तो इंश्योरेंस में वो ज्यादा कर दिया ना उन्होंने, 1.5 लाख के लगभग दवाई वगैरह सब मिला के। डेढ़ इंश्योरेंस तो आपका ही था ना, पैसे तो आप ही भरते हो। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे, इंश्योरेंस तो बचा पड़ा रहेगा ना, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस तो खत्म होता है ना। 1.5 लाख उन्होंने इंश्योरेंस का बिल करा था, पहले 50-60 हज़ार बताया था, 50-60 हज़ार बता के फिर 1.5 लाख कर दिया। 1.5 लाख कर दिया तो अब वो इंश्योरेंस वाली कंपनी थोड़े ना पूछेगी आपने लेजर क्यों नहीं कराया, वो तो उन्हीं से पूछेगी आपने कौन सा किया। अब तो उनको ही पैसा आएगा, कॉम्प्लिकेशंस बता देते हैं वो तो। अच्छा, वो उलझन बता देते हैं। डॉक्टर इंटेलिजेंट है, जैसे वकील इंटेलिजेंट होता है ऐसे डॉक्टर भी इंटेलिजेंट होता है, जैसे CA इंटेलिजेंट होता है ऐसे डॉक्टर भी इंटेलिजेंट ही होता है। और अभी मैंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद भी मैंने बेबी के लिए ऑपरेशन कराया, बच्चे के लिए कराया, उसके बाद भी उन्होंने फिर मेरी ट्यूब टेस्ट करी, अब उन्होंने बोला कि आपका ट्यूब ब्लॉकेज है, फिर उन्होंने मेरे को IVF सेंटर भेजा। हाँ, फिर मैंने नहीं कराया उसका ट्रीटमेंट, नहीं शुरू कराया ट्रीटमेंट, शुरू नहीं करवाया क्योंकि वहाँ पैसा भी लग रहा है 3-5 लाख रुपया, उसमें भी उन्होंने एक दो ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर वो उसका इलाज करना शुरू करेंगे। बोल जय श्री, जैसा मैं नहीं करा क्योंकि उसमें बहुत सारे इंजेक्शन
लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, तो मुझे भी तो पेन होता है, मैं नहीं कराना चाहती। मैंने इसी चक्कर में जॉब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा कि मैं अपने पे ध्यान दे सकूं। बस मैं 7.5 साल से जॉब कर रही थी। मनु भैया बैठे हैं ना, तू कहाँ है? बस भरोसे पे आई मैं। तो तेरे आंसू कोई तो देख रहा है ना, तू यहाँ बैठी है, तुझे पता है भगवान देखते हैं? बोल। बस भगवान तुझे बता, तुझे पता है कि नहीं भगवान देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल पता बोल। है। तो तू आज यहाँ बैठी है, तू आज यहाँ बैठी है और तू अगले 3 साल के बाद मेरे पास बैठ के देखियो, ठीक है? सारी दुनिया देखेगी। और तू ये बताइयो, एक दिन भैया ने ये बताया था, मेरी आज की वीडियो ये है, अपनी ही वीडियो डाउनलोड करके रख लियो और फिर मेरे पास आ जाओ 3 साल बाद, जा ठीक है? आया समझ में? तुझे दुनिया पहचान नहीं पाएगी। और बता अभी दर्द कहाँ है बताना, पूरे शरीर में कहाँ गया दर्द? बिल्कुल भी दर्द नहीं है कहीं भी। फिर मेरे से बात कर रही है ना, साले दर्द की औकात क्या तेरे पास आ जाए जब तक मैं तेरे साथ हूँ? हाँ समझ में? भरोसा पे आई हूँ। हाँ तो भरोसा करोगे भगवान पे तभी तो कुछ देगा, भरोसा ही नहीं तो देगा क्या? नहीं मैं भगवान को मानती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल रखकर उनकी सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। नहीं लड्डू गोपाल का क्या मतलब? मतलब मैं लड्डू गणेश होते हैं भाई, मन किया इसलिए मैं रखी हूँ। नहीं मन किया रख लिया, लेकिन लड्डू गणेश होते हैं बेटा। वो तो बताओ लड्डू कौन होते हैं? गणेश जी लड्डू खाते हैं ना, तो लड्डू गणेश होते हैं, लड्डू गोपाल नहीं होते। गोपाल तो मक्खन होते हैं, आपने मक्खन गोपाल रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? मक्खन गोपाल। आपके तो मक्खन गोपाल है, गोपाल ये लड्डू गणेश आदमी रखते हैं। कल से देखना हम हिंदुस्तान में लड्डू गणेश का वो करेंगे। सही आगे ना, जब हम अपना धाम खोलेंगे लड्डू गणेश बनाएंगे हम भी, आगे ना लड्डू भी चढ़ाएंगे और छोटे छोटे सबको लड्डू गणेश दिए जाएंगे। कोई चांदी का लो, पीतल का लो, कोई भी लो, और लड्डू गणेश की बुधवार को और चतुर्थी के दिन सेवा करो और फिर देखो मनसा पूरी होती है कि नहीं। मनु भैया का वादा पूरे हिंदुस्तान में, माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जन्म मनावे मंगल मूर्ति, करे सभी जन उत्सव पूजा, बप्पा मोरी असमने दूजा, पढ़े चालीसा मंगलकारी, ताले गणपति विपदा सारी सारी। बोल दे जय शनिदेव। जय श्री गणपति जी महाराज की जय। अब क्या हो रहा है? देवाधिदेव महादेव पुत्र की जय। तो नहीं तो तेरा आदमी तेरी बात कम मानता है क्या? बहुत लड़ाइयाँ होती है बिना मतलब का। बात नहीं सारी बातें मानते लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ बहुत होती, कोई दुख नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता, कोई बात नहीं रहता, छोटी छोटी। अच्छा लड़ाई तेरी तरफ, मैं इसका भी सोल्यूशन निकालता हूँ। दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं बोलूंगी, आपकी तरफ से भी होती है बहुत ज्यादा। उनको भी तो कन्फेस करने दे। हाँ पूछ। अरे रुक तो जा, ये क्या लगते हैं तेरे पति देव? शाबाश। आपकी क्या लगती है? धर्मपत्नी। बहुत अच्छे, देखा मनु भैया का बैग कितना है। आगे न हथौड़ी जब तक रखी है। ये आपकी क्या लगती है? ये क्या लगती है आपकी? क्या लगती है ये बताइए जरा। ये आपकी क्या लगती है? धर्म पत्नी। पूरा बोले धर्म पत्नी। ये आपकी क्या लगती है? बोले क्या लगते हैं ये? ऑर्डर ऑर्डर पति देव। कान में फूंक मारनी पड़ेगी भैया, मेरा वाला है नहीं, उनके सामने जरूर बुलवाना। अच्छा ठीक। अब स्त्रियां इस बात का फायदा भी उठाएगी, ठीक है? नहीं पर आदमी को भी लाभ है, देवता बन गए खाम खामे खड़े खड़े हैं जी, बने कि नहीं? हाँ हाँ तो बताओ उलझन कहाँ है? एक बात ध्यान से सुनना, जो लड़ता है वो पड़खना कुत्ता होता है, ठीक है? मानव प्रेम करने के लिए बने, मानव को चाहिए वो एक दूसरे को प्रेम करे सात्विक भाव से, ठीक है ना? जब मेरे बात मूल समझ में आई, मैं भी अपनी पत्नी से लड़ता था, तुम्हारी भाभी से मैं रोज लड़ता था, लेकिन जब बात समझ में आई मैंने लड़ना बंद कर दिया, आ गया ना समझ में? तो अब वो चाहती है कि मैं उससे लड़ूं और फिर उसको मनाऊं भी, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, इसलिए वो परेशान भी हो गई थोड़ी थोड़ी कि मैं लड़ी नहीं रहा। क्यों जी, क्यों जी? मैंने अपने हथियार गिरा दिए, मुझे लड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ ही, आप भी लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हो। लड़ता और क्रोध कौन करता है? कुत्ता। कौन करता है? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपके पीछे कभी कुत्ता दौड़ा है? हाँ कि ना? अभी तक दौड़ा नहीं कुत्ता। आप गाड़ी लेके कभी गए हो? तो जब भी गाड़ी लेके आदमी चलता है
किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई कुत्ता पीछे भागता रहता है, इनको आज तक यही नहीं पता। मना कर रहे हैं मुझे आगे ना ये बताने के लिए, नहीं भैया ये विषय भी आप ही समझा दो। तो कुत्ता पीछे जाता है, उसको पता कुछ है नहीं, लेकिन वो पड़खना है, वो लड़ाई करना चाहता है, वो आप पे क्रोध निकालना चाहता है, और आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं उससे, नहीं है ना, फिर भी वो निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि क्रोध उसका गहना है, हमारा गहना क्रोध है नहीं। हमें जो आता है और चला जाता है, जैसे इसको आभास होता है, गिल्टी फील होता है, वो तो हमारा नुकसान करता है। एक दिन अरस्तु अपनी पत्नी से बोले कि जब तेरे को लड़ाई का मूड और तू मुझे कुछ कहे तो मैं चुप हो जाऊंगा, और जब मैं कुछ कहूँ तो तू चुप हो जाना। दोनों ने यह नियम निभा लिया, उस दिन के बाद से उनमें कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं आपको कह रहा हूँ, आपने एक नियम निभाना है, आपने घर में कुत्ते की तस्वीर रखनी है, रसोई में एक रखनी है, अपने कमरे में, और दो लाइनें लिखनी है कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता, हमेशा उसको पढ़ते रहना है। आप देखोगे जीवन बदल गया, आप दोनों में से किसी को भी क्रोध नहीं आ रहा, और जिसको क्रोध आ रहा है वो कुत्ते की उस वाली उस पे फोटो पे नीचे देख ले कि उसका उस टाइम वही हाल है जो उस कुत्ते का। इस तरह से आप कदापि लड़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? क्योंकि जब कोई सा भी लड़ेगा तो वो उसको केवल इशारे में अंगली करके कहेगा वो फोटो देख लो भाई, इशारे में बिना बोले, है ना? इस तरह से दोनों जो है प्रेम में विलक्षणता पा जाओगे। मानव केवल प्रेम के लिए बना है, ठीक है? तुम्हें दोनों एक दूसरे को पसंद करके लेके आए हो, ऐसा ही ना? पसंद से शादी हुई है ना तुम्हारी? मुझे कैसे पता? आपको तो पता। तो अब जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना है। मानव जीवन बार बार तो मिलेगा नहीं, तो आपने जब किसी से प्रेम किया है तो वो तो आपकी जो अर्धांगिनी है, वो अपना घर जो छोड़ के आई है, वो इसलिए आई है कि मैं इसके साथ सदा सुरक्षित रहूंगी और सुखी भी रहूंगी। एक छोटे से क्रोध से जो आया और चला गया, आपका नुकसान ही हुआ, लाभ कुछ हुआ नहीं। आपने ये जहां एक साल की आपकी सारी मनोकामना पूरी, सारी, एक भी ऐसी नहीं है जो आपकी अधूरी रह जाए। बोल दे जय शनिदेव। शनिदेव महाराज कल्याण करे, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करावे, आपकी हर तरह से झोली भरे, सब प्रकार से डिमांड पूरी करे, आपकी मनोकामना सिद्ध करे, आपके रोग आदि का नाश करे, भूतादिक पिशाचादिकों का नाश करे। अब बताइए मुझे दर्द कहाँ है? चलिए जाइए मौज लीजिए, लेकिन आना है अभी, ठीक है? और दर्द हो तब भी आना है, और हो तो मुझे बताना है। बोल भाई सरदार। आने का वो करते हैं ना, तनुश्री कौन है? कौन है तनुश्री?